सेबी ने ले लिया है एक बड़ा फैसला। आईपीओ में निवेश करने वाले निवेशकों को इससे होगा एक बड़ा फायदा। आईपीओ की लिस्टिंग को लेकर हुआ है बड़ा बदलाव। साथ ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को यानी एफपीआईज को लेकर भी लिया गया है एक बड़ा निर्णय। क्या कुछ हुए बदलाव, चलिए बताते हैं आपको आज इस वीडियो में। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच्छ ने बोर्ड बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आईपीओ लाने वाली कंपनियों को अब इशू के क्लोज होने के 3 दिन बाद ही आईपीओ की लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज पर करानी होगी। लिस्टिंग समय सीमा को T+6 दिन से घटाकर T+3 दिन कर दिया गया है। लिस्टिंग का नया नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू हो जाएगा। सो T+6 to T+3, यू नो दिस इज अगेन वन ऑफ दोज ग्लोबल फर्स्ट्स। आई थिंक वी विल डू द बेंचमार्किंग एंड वैलिडेट दैट, बट लाइक वी मूव्ड इनटू T+1 सेटलमेंट फॉर सेकेंडरी मार्केट एंड यू नो इट्स समथिंग दैट मोस्ट ज्यूरिसडिक्शंस आर येट टू इंप्लीमेंट एंड दे आर रियली दे हैव बीन एक्सट्रीमली कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द फैक्ट दैट वी डिड दैट विदाउट एनी ग्लिच problems in terms of transition at all. We are very confident that similarly this T+3 will also happen without a glitch, because all the market participants involved, whether it is the exchanges, clearing corporations, the bankers, the RTAs, everybody has actually done their testing and their stress testing to figure out that they will actually be able to meet all the timelines that have been now put down. Overall, I guess what we're really pleased about is that what this will result in is that the issuers will get their money quicker, the investors will get their shares quicker, the you know, those who didn't get allotment will get their refund or the unblocking quicker. So at the end of the day, time is money. So we, with this process, we will be giving to all the market participants lots of money in the form of 3 days. T+6 दिन से T+3 दिन में T से मतलब है IPO की बोली बंद होने की तारीख। अगर अब आप सोच रहे हैं कि आपको सेबी के बदले गए इस नए नियम का क्या फायदा होगा, तो बता दें सेबी के इस फैसले से IPO की लिस्टिंग की प्रक्रिया में तेजी आ जाएगी। साथ ही जिन निवेशकों को IPO में आवेदन पर शेयर अलॉट नहीं होगा, उन्हें उनका पैसा भी जल्द रिफंड मिल जाएगा। आईपीओ लिस्टिंग के नए नियम से जो बड़ा फायदा होगा वो ये कि कंपनियों के पास आईपीओ के जरिए जुटाई गई पूंजी तेजी से पहुंच जाएगी। इससे कारोबार करने में कंपनी को आसानी होगी और जाहिर सी बात है निवेशकों को भी अपने निवेश के लिए जल्द क्रेडिट और लिक्विडिटी मिल सकेगी। अगर आईपीओ लिस्टिंग को लेकर आज के ताजा हालात पर बात करें, तो अभी के नियमों के मुताबिक रजिस्ट्रार बोली खत्म होने के 3 दिन बाद शेयरों का अलॉटमेंट करते हैं और फिर उसे संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के पास मंजूरी के लिए सौंप दिया जाता है। लेकिन अब ये काम बोली खत्म होने के अगले दिन शाम 6 बजे तक करना होगा। इसके अलावा कंपनियां बोली खत्म होने के 5वें दिन स्टॉक एक्सचेंज के पास शेयर में ट्रेडिंग की मंजूरी के लिए एप्लीकेशन देती है। लेकिन नए नियम के अनुसार अब कंपनियों को बोली खत्म होने के 2 दिन ही शाम 6:30 बजे तक कंपनी में ट्रेडिंग की मंजूरी के लिए एप्लीकेशन देनी होगी। जहां तक बात विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की है, तो सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को लेकर भी एक बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए डिस्क्लोजर नियम को सख्त कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अब ऐसे ऑफशोर फंड्स जो कुल निवेश का 50% हिस्सा एक ही कॉर्पोरेट ग्रुप में लगा देते हैं, उन्हें अपने सभी निवेशकों के नाम का खुलासा अब करना होगा। इसके अलावा ऐसे विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भारत के इक्विटी बाजार में निवेश करते हैं, उन्हें भी अपने सभी निवेशकों के नाम का खुलासा करना होगा। माना जा रहा है कि हिंडनबर्ग के अडानी ग्रुप के शेयरों को लेकर जारी की गई रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सेबी ने एफपीआईज के लिए ये नियम बनाए हैं। इसके अलावा सेबी ने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर को वॉलंटरी डीलिस्टिंग की इजाजत भी दे दी है। सेबी ने डेट सिक्योरिटीज की लिस्टिंग नॉर्म्स में भी ढील देने का ऐलान किया है। हालांकि सेबी ने म्यूचुअल फंड्स की फी स्ट्रक्चर में बदलाव यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो में कोई बदलाव नहीं किया है। ये उम्मीद की जा रही थी कि सेबी म्यूचुअल फंड में निवेश पर लगने वाली फीस को कम करने के साथ ही उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करेगा, लेकिन बोर्ड बैठक में इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया जा सका।